नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई, आप सभी ने टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट को तो देख ही लिया होगा। रिसेंटली 2 सितंबर को इसे टाटा वालों ने पूरी तरह से अनवील कर दिया था। हालांकि ऐसा लग रहा है इन्होंने टाइम से पहले ही गाड़ी को दिखा दिया था, या कह सकते हैं दिखाना पड़ा, क्योंकि इसके कई सारे स्पाई शॉट्स तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। ओवरऑल एक्सटीरियर लुक तो आपने पहले ही चैनल के वीडियोस में देख लिया था, और उसी के एक दो दिन बाद ही इसके इंटीरियर का भी पूरा व्यू सामने आ गया था, जिसमें ना सिर्फ डिजाइन बल्कि कई सारे फीचर्स भी रिवील हो रहे थे। और इन्हीं सब चक्कर में लग रहा है टाटा वालों को जल्दी जल्दी गाड़ी अनवील करनी पड़ी। खैर, गाड़ी पूरी तरह से अनवील हो गई है और इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस भी सामने आ गए हैं, लेकिन एक और चीज बची रह गई है जिसका सभी को काफी बेसब्री से इंतजार है, और वो है इस एसयूवी का प्राइस। अब प्राइस की बात कर ही रहे हैं तो रीसेंट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप जीत सकते हैं 1 रुपए में आईफोन 14, और आज है आपके पास मौका 1 रुपए में सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप जीतने का। जानने के लिए वीडियो में बने रहें। तो मैं बात कर रहा था नेक्सॉन फेसलिफ्ट के प्राइस के बारे में। फेसलिफ्ट वाले प्राइस पर आगे बढ़ने से पहले एक बार प्री फेसलिफ्ट का प्राइस देख लेते हैं। तो अभी तक जो टाटा नेक्सॉन आपको मिल रही थी उसका एक शोरूम प्राइस 8 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 14,60,000 रुपए तक जाता था। अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब भी किसी गाड़ी का फेसलिफ्ट आता है तो उसे हमेशा ही थोड़ा बहुत महंगा करके मार्केट में उतारा जाता है, चाहे 30-35 हज़ार ही बढ़ाया जाए, लेकिन बढ़ता जरूर है, क्योंकि फेसलिफ्ट में फीचर्स को ऐड ऑन किया जाता है और लुक में भी चेंजेस होते हैं, जिसकी कॉस्टिंग कहीं ना कहीं पहले वाले से ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करें टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट की, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। एक्सटीरियर तो गाड़ी का पहले से कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त और प्रीमियम तो बनाया ही गया है, बल्कि इंटीरियर को भी काफ़ी बदल कर रख दिया गया है। इसी के साथ फीचर्स को देखा जाए तो वो भी भर भर के मिले हैं, जैसे 360 कैमरा, बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स और कई सारे प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं इस गाड़ी में, और इनमें से कुछ तो सेगमेंट फर्स्ट भी हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज 6 एयरबैग्स और ESC, जिसकी आज के टाइम पर सभी को बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, वो चीज इस गाड़ी में बेस मॉडल से ही मिल रहा है। तो इतना सब अपग्रेड करने के लिए जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा पैसे तो लगे ही होंगे, जिस वजह से ये पहले से पता था कि इसके प्राइस में कहीं ना कहीं हाइक देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी कितने पैसे बढ़ाती है उसकी एग्जैक्ट कोई जानकारी नहीं थी, बस उम्मीदें बनाई जा रही थी कि नेक्सॉन फेसलिफ्ट को 8,30,000 या 8,40,000 के अराउंड लॉन्च किया जाएगा, तभी ये कंपटीशन में कायदे से बनी रह पाएगी, और इस गाड़ी के लिए इतना पैसा कोई बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन रिसेंटली एक बहुत बड़ी चीज सामने आई है, उसके बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं कैसे आप जीत सकते हैं ब्रांड न्यू सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करिए My11Circle ऐप और टीम बनाइए इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच के लिए। इनका गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करिए, जिसकी एंट्री फीस सिर्फ 1 रुपए है, और जीतिए सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ इंडिया और श्रीलंका मैच के लिए वैलिड है और सिर्फ मेरे ही सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो इसे मिस मत करें। मेगा कॉन्टेस्ट में जीत सकते हैं महिंद्रा थार, जो कि एशिया कप टूर्नामेंट के हर मैच में मिलेगी। यूज करें मेरा कूपन कोड MECNEW और मेरे लिंक से डाउनलोड करने पर आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा रियल कैश, जो सीधा आपके My11Circle अकाउंट में क्रेडिट होगा। नीचे दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करिए और टीम बनाइए इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच के लिए। अब बात कर लेते हैं नेक्सॉन फेसलिफ्ट को लेकर क्या बड़ी चीज सामने आई है। तो रिसेंटली एक भाई ने टाटा नेक्सॉन के पोस्ट पे कमेंट किया था कि वी आर वेटिंग फॉर प्राइस। तो आप देख सकते हैं उस पर टाटा नेक्सॉन के ऑफिशियल हैंडल से रिप्लाई किया गया है कि नेक्सॉन फेसलिफ्ट का एक शोरूम प्राइस 7,39,000 रुपए से स्टार्ट होगा। बाकी चीजें जानने के लिए नजदीकी डीलरशिप से संपर्क करें। हालांकि इस कमेंट को वैसे तो बहुत जल्द ही डिलीट कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसे वायरल कर दिया। अब आप सोच सकते हैं टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट का प्राइस मात्र 7,39,000 रुपए, मतलब कैसे? करंट में आ रही मॉडल तो 8 लाख की है, उसमें ना तो 6 एयरबैग्स हैं और ना ही बाकी सारी चीजें, लेकिन इतना सब अपग्रेड करने के बाद करीब 60,000 रुपए जैसे बड़े अमाउंट का कटिंग कैसे किया जा सकता है? एक तरह से देखा जाए तो ये किसी भी कंपनी के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन टाटा तो टाटा है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है इनका, इस प्राइस में भी गाड़ी को मार्केट में उतार सकते हैं। और अगर 1% भी मान लीजिए कि ऐसा होता है तो फिर खत्म है सब। वैसे ही आपने देखा होगा किस तरह से महीनों तक टाटा नेक्सॉन ने अपने सेगमेंट के फर्स्ट पोजीशन पर कब्जा जमाए हुए था। ब्रेजा फेसलिफ्ट और वेन्यू फेसलिफ्ट के आने के बाद भी नेक्सॉन की सेल में कोई फर्क नहीं पड़ा था, ये जिस पोजीशन पर थी उसी पर हमेशा से बनी रह गई। अब जब नेक्सॉन फेसलिफ्ट आ रही है तो वैसे ही माहौल गर्म है, और जब इस प्राइस में आ जाएगी तो ये आग ही लगा देगी, मतलब फिर इसको नीचे लाना किसी की बस की बात नहीं होगी। ओवरऑल बेस्ट पैकेज अगर इतने कम दाम में मिल जाए तो लोग किसी दूसरे कार के तरफ जाना पसंद ही नहीं करेंगे। हालांकि दावे के साथ ये नहीं बोला जा सकता है कि नेक्सॉन इसी प्राइस में लॉन्च होगी, हो सकता है किसी एम्प्लॉय से गलती हो गई हो या फिर ये फेक हो।
टाटा वालों ने भी रिसेंटली स्टेटमेंट जारी करते हुए इस कमेंट से अपना पल्ला झाड़ लिया है और साथ में इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि नेक्सॉन को कई मामलों में हेवीली अपग्रेड किया गया है। तो हो सकता है ये बताना चाह रहे हों कि भैया इतना सब इस प्राइस में हम नहीं दे सकते हैं। खैर सच क्या है वो तो आपको 14 सितंबर को पता चल ही जाएगा, क्योंकि इस दिन नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट को ऑफिशियली प्राइस के साथ लॉन्च किया जाएगा। अब देखते हैं टाटा वाले प्राइस बढ़ाते हैं या घटाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस प्राइस के बारे में, और मान लो ये बढ़ता भी है तो कितने तक बढ़ना चाहिए जिससे ये गाड़ी पहले की तरह अपने पोजीशन पर बनी रहे। बाकी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माय 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करिए और जीतिए सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप और 20% एक्स्ट्रा कैश। टॉप प्राइस में जीतो महिंद्रा थार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कॉमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है।